हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को, और हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी मकर संक्रांति। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आज हम बनाएंगे खिचड़ी। खिचड़ी के लिए मैंने जो जो सब्जियां घर में थी सारी ले ली हैं, अपने अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो आप। इसके लिए मैंने बीन्स, फूलगोभी, आधी शिमला मिर्च, एक नींबू और एक बैंगन, एक ही छोटा सा आलू है, एक गाजर है, हरी मिर्च है और थोड़ी सी अदरक है। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। और एक प्याज ले लिया मीडियम, मटर ले लिया आधी कटोरी, थोड़ा सा हरा धनिया। आप हरा धनिया और अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीस के इसका पेस्ट भी डाल सकते हो, तो अच्छी खिचड़ी का जो कलर है थोड़ा अलग आएगा, हरा हरा सा आएगा, ग्रीन सा जैसे। अब मैंने दालें भी इसमें सारी मिक्स कर ली हैं, जो जो दालें मेरे पास थी। वैसे तो ये मूंग दाल से बनाते हैं, चाहे आप धुली मूंग से बनाएं या छिलके वाली से बनाएं। तो आज मैं 5 प्रकार की दालों से इसे बनाऊंगी। एक मैंने अरहर की दाल ले ली है और मसूर की दाल ले ली है, धुली मूंग, मूंग उड़द छिलका और मूंग छिलका, आधी कटोरी चावल ले लिए हैं। इन सबको हम आधा घंटा पहले या 15-20 मिनट पहले भिगो लेंगे। और इसमें मसाले में नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे मैं सरसों के तेल में बनाऊंगी, आप घी में भी बना सकते हो इसे। दोस्तों, दाल चावल मैंने भिगो लिए हैं, और जितनी दाल आप लेते हैं उसके आधे चावल लेंगे हम, तो खिचड़ी अच्छी बनेगी। अब इन्हें हम गोभियों को थोड़ा मोटा मोटा डालेंगे। आइए, दो तरह से बना सकते हैं आप खिचड़ी को, जैसे सब्जियों को फ्राई करके या डायरेक्ट आप कुकर में सीटी चावल दाल के साथ मिक्स करके बना सकते हैं। तो मैं आज इसे अलग तरीके से बनाती हूँ। सब्जियों को हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे, बहुत बारीक नहीं काटेंगे। आपके पास शलगम, बंद गोभी, मूली, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं खिचड़ी में। दोस्तों, क्या आपके घर में भी आपका पूरा परिवार खिचड़ी खाता है या सिर्फ बीमार लोग ही खाते हैं? क्योंकि आजकल के बच्चे खिचड़ी विचड़ी खाना तो पसंद करते नहीं हैं। अगर आप इस तरह की ऐसे बनाएंगे तो शायद खाने लग जाएं, तो इस तरह से बना के देखना ज़रूर आप लोग। मैं हरी मिर्च और अदरक, लहसुन और धनिया सब कुछ काट के ही डाल लूँगी। आधी कड़छी डालूँगी पहले। इसमें मैं आधा सा चम्मच जीरा डाल लूँगी। तेल गर्म हो गया है, तेल में जीरा चटक गया है। अब ये सारी सब्जियाँ मैं भूनूंगी नहीं कुछ भी, जैसे प्याज पहले भून लेते हैं, तो मैं सबसे पहले ये सारी सब्जियाँ इसमें भून लेती हूँ डाल के। इसे 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। मटर भी भून लेती हूँ। इसी मसाले में से मैं थोड़ा सा नमक इन सब्जियों में डाल लूंगी, ताकि ये जल्दी से थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसको मैंने सारा भून लिया 2 से 3 मिनट। सिर्फ एक सीटी लगवाएंगे इसमें हम, जिससे ये सॉफ्ट भी हो जाएंगी और पक भी जाएंगी। एक सीटी आ गई है और स्टीम निकल गई है, इसे खोल लेते हैं। अब ये सारी सब्जियां हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। दोस्तों, इसमें 3 चम्मच मैंने तेल सरसों का फिर से डाल लिया और गर्म हो गया है। आप इससे दाल चावल को जीरे से भी छोंक सकते हो और प्याज से भी छोंक सकते हो। तो कम से कम तेल में बना रही हूँ मैं, ये चटक गया है। यहाँ पे अब मैं मसाला डाल लेती हूँ, सारा जो निकाल के रखा था। जो दाल चावल भिगोए हैं वो भी डाल लेते हैं इसी में। और ये मैं तेज गैस में ही बना रही हूँ। दाल चावल को मैंने भून लिया है मसालों में। अब हम इसमें चौगुना पानी डाल लेंगे, जितनी हमने खिचड़ी की दाल चावल लिए हैं उसी बर्तन से चौगुना पानी डाल लेंगे। मैंने चौगुना पानी डाल लिया है। अब ये कुकर को बंद कर लेते हैं, 4 सीटी लगा लेंगे, बाद में हम सब्जी डालेंगे इसमें। 4 विसल आने के बाद कुकर को खोल लेते हैं, स्टीम निकलने के बाद। और गैस जला ली है मैंने फिर से। आपको जितनी गाढ़ी जितनी पतली खिचड़ी चाहिए, इस टाइम पे आप इसमें पानी भी बढ़ा सकते हो, तो मैं इतनी गाढ़ी रखूंगी इसे। यहाँ पे हम सब्जियाँ डाल देंगे ये सारी फ्राई की हुई, और एक उबाला आने देंगे। आप इसमें नमक भी अभी टेस्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा जो डालना है डाल सकते हो।
और नींबू मैं अभी निचोड़ लूंगी, इसमें एक पूरा नींबू डाल लेंगे, ज्यादा सी खिचड़ी है ये। खिचड़ी में उबाल आ गया, गैस को बंद कर लेते हैं और धनिया पत्ती डाल लेंगे ऊपर से। अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलेगा आप सबका। तो यहाँ पे खिचड़ी तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे घी या दही किसी के साथ भी कर सकते हैं सर्व।